बच्चे अपने यहाँ आई थी वो नेवर एंड वो तो ड्रॉप आउट थी, तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हमने जब उनको बिठाया और एक ग्रुप में, और तो जो भी कुछ हम बोल रहे थे मतलब उसको वापस रिपीट करने की कोशिश तो कर रही थी, तो हमें लग रहा था कि शायद अपन इनको किसी भी क्लेवर मेथड से पढ़ाएंगे तो ये सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उनका परिचय वगैरह लेकर के उनके बारे में जानना चाहा, तो कार्ड्स के माध्यम से, जैसे उनको अक्षर ज्ञान कुछ भी नहीं आता था, हमने बोर्ड पर एक मीनिंग लिखा और उनको कुछ भी नहीं आता, इवन मतलब वो तो प्रॉपर हिंदी सेंटेंस भी नहीं बोल सकती थी, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात थी। तो यूँ कार्ड्स वगैरह बना करके, जैसे ABCD वगैरह के हैं, उनके बीच में डाल दिए, हमने उनसे पूछा तो वो इस तरीके से नहीं जान पाई, फिर उनकी लाइन वगैरह बनवाई। फर्स्ट वाली बच्ची थी उसको A का कार्ड दे दिया, सेकंड की बच्ची को B का दे दिया, थर्ड की बच्ची को C का दे दिया। तो उनको ये हो गया, जैसे फिर अपन अटेंडेंस लेते हैं बच्ची की, भाई नंबर 1 तो वो बच्ची बोलेगी A, नंबर 2 तो बच्ची बोलेगी B, तो उस बच्ची के हाथ में कार्ड भी है और वो सेकंड नंबर पे आ रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन B है, तो फिर उस बच्ची को थोड़ा सा ये अक्षर ज्ञान हो गया कि भाई ये B है। 7-8 महीने तो कम से कम लगे सर, क्योंकि हमने पहले उनको अक्षर ज्ञान दिया, फिर अक्षर ज्ञान के बाद उनको वर्डिंग करवाई, फिर जैसे वही अक्षर के जो उनके पास कार्ड्स थे उनसे, जैसे अपन को भाई गॉड बनाना है तो भाई G खड़े हो जाइए, O खड़े हो जाइए, D खड़े हो जाइए, और तीनों को बॉर्ड पर अपन ने चिपकवा दिए फाइनल बॉर्ड पर, तो बच्चियाँ पढ़ सकें इस तरीके से काफ़ी लंबे टाइमिंग तक उनको। फिर जैसे उनमें इंग्लिश का थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाए तो यूँ प्रेयर में टैप के माध्यम से, जैसे अपन कोई इंग्लिश राइम बोल रहे हैं, हालांकि राइम का कोई मीनिंग्स भी नहीं होते और बच्चियाँ उसको समझ भी नहीं पाती, लेकिन एक उनमें हल्का फुल्का सा माहौल हो जाए इंग्लिश का, हालांकि उसका अर्थ तो नहीं समझ पा रही थी, वो उनका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं था। उनको हमने बिल्कुल खेल के माध्यम से सिखाया, यूँ क्लास में तो सिखाया ही नहीं भाई बिल्कुल भी, और यूँ जैसे बहुत प्यार की भाषा में बोलने की कोशिश करी। जैसे कई बार अपन बच्चों को डांट देते हैं तो वो उनमें, बच्चियाँ एक्सपर्ट तो थी उनमें, वो तो नहीं था झिझक तो, क्योंकि वो बिल्कुल रूरल एरियाज़ की बच्ची हैं, ग्रामीण परिवेश की, वो दिन भर गाय भैंसे चराती हैं, अकेली खेतों में घूमती हैं, तो वो झिझक तो नहीं थी उनमें, थी तो वो फॉरवर्ड, लेकिन हाँ थोड़ा उनका जो बिहेव था वो रूड था, तो उनको प्यार की ज़रूरत थी। और अगर अपन प्यार से उनको लेकर के बैठ रहे हैं, प्यार से ही पढ़ा रहे हैं, भाई ठीक है बेटा उन्होंने गलत आंसर दे दिया, तो भी अपन उनको यूँ कोशिश कर रहे हैं, भाई कोई बात नहीं बेटा आपने समझने की कोशिश की, अब हम दोबारा बता देते हैं आपको। अब इतनी बड़ी संस्था है, 90 बच्चियाँ हैं छात्रावास है, तो उनके लिए सभी चीज़ को अवेलेबल कराना, कोई बच्ची बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना, काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं, तो जो मेरा शिक्षिका का रूप था उसमें मैं थोड़ा सा वक्त कम दे पा रही थी, और 9 लेडीज़ को मैनेज करके, टोटल लेडीज़ का स्टाफ है 10 लेडीज़ को मैनेज करके चलना, घर में भी 4 लेडीज़ रहती हैं तो आपस में कंट्रोवर्सी हो जाती है, बाकी यहाँ तो हमारे यहाँ तो 9 हैं, तो उन सबकी स्टाफ का सहयोग अच्छा मिला सर हमें, और हम वीकली मीटिंग करते थे, जैसे एक वीक में अपन ने मीटिंग करी और उसका अपन ने एजेंडा बना लिया, भाई पहले तो स्टाफ से पूछ लें, क्योंकि हम तो देखो यहाँ नाइट में रहते नहीं, दूसरी टीचर्स यहाँ रहती थी, तो हमने उनसे पूछ लिया भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ने बताया भाई ये चोरी करती है, कुछ ने बताया भाई इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती है, कुछ ने बताया मैडम भाई जैसे कुछ बच्चियाँ हैं वो बिस्तर में ही टॉयलेट कर देती हैं, उनको हमने आपस में बैठा, कुछ उनके भी विचार लिए, कुछ अपने भी दिए, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला। इसमें काफ़ी दिक्कत आती थी हमें, कई बच्चियाँ जैसे वो हमने पहले लिखा भी था, चोरी की भावना थी, धीरे धीरे उसको भी सुधारा हमने, कई कॉम्प्लिकेशन से बच्चियाँ और बिल्कुल गांव की आती हैं, लैट बात का इस्तेमाल नहीं जानती, उनको वो भी सिखाना पड़ता है। भाई उसके अलावा बच्चियों को कटिंग ट्रेलिंग है, अभी गए बार सब बच्चियों ने अपनी ड्रेस खुद ने सी करके पहन ली, उनको सिखाया जाता है। इस सेशन हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का भी जैसे चलाया जाता है कोर्स, तो एट प्रेजेंट बच्चियाँ ब्यूटी पार्लर का पूरा काम जानती हैं, कुछ भी करवा लें उनसे, मेहंदी वगैरह है, ये माप बनी जैसे क्यारियाँ वगैरह लगवाई हैं पन्ने, इस तरीके के छोटे छोटे एक्स्ट्रा काम करवाते ही हैं उनसे। जो कक्षा 8 का बैच था वो उसमें जिस समय में आई थी 4 ही लड़कियाँ थीं, वो चारों फर्स्ट डिवीजन हुई थी और चारों बच्चियाँ ड्रॉप आउट थी, और फिर अब वो 10th में जाकर के भी चारों बच्चियाँ फर्स्ट डिवीजन हुई हैं गर्ल्स स्कूल में, तो हमें लगा भाई शायद मेहनत का कुछ सिला मिला है, बोर्ड में करके आई हैं फर्स्ट डिवीज़न पास, तो नींव अच्छी रही शायद उनकी, हमारी सोच है ऐसी है, बच्ची ने भी मेहनत की होगी। सर मिली सही, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली में थे, 8-9 बहने थे, तो आदमी को रहने का कंप्रोमाइज़ करना, एडजस्टिव लाइफ जीना, वो सब कुछ सीखता ही है, अपन ही अकेले सिंगल रहते हैं तो उसकी सारी डिमांड्स भी पूरी हो जाती हैं अगर एक बच्चा होता है तो, और उसको फैसिलिटी भी वैसी मिलती है, हालांकि मेरे फादर गवर्नमेंट एडवोकेट हैं और वहीं के वहीं हम पढ़ लिए, वहीं उस समय में ST चलती थी,
सबका स्टैंडर्ड थी था वही कि वही एसटीसी कर ली, एसटीसी करते सब बहनों की नौकरी लग गई, उसके बाद जिसको क्रेज रहा उन्होंने आगे पढ़ लिया और जो नहीं थे वो वही। मैं यूँ बार बार कई बार यूँ अपनी मदर को लेकर के बहुत गर्व भी होता है कि उन्होंने इतनी अच्छी तालीम दी, इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज हम सब लोग एजुकेटेड भी हैं, सब सोशल लाइफ भी जी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है भाई कोई सोशल लाइफ नहीं जी रहे हूँ, और सभी का अच्छा मतलब अब तक तो सभी लोग तारीफ ही करते हैं।